Advanced Topics in App Function पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ मिसालों की मदद से सीखेंगे सोर्स कमांड फंक्शन को बैकग्राउंड में ले जाना। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको बैश में शेल स्क्रिप्टिंग का इल्म होना चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल्स के लिए दिखाई गई वेबसाइट मुलाहिजा करें। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं Ubuntu Linux 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और GNU Bash वर्जन 4.2 इस्तेमाल कर रहा हूं। नोट करें, मश के लिए GNU Bash वर्जन 4 या इससे आला वर्जन की सलाह दी जाती है। सोर्स कमांड शेल स्क्रिप्ट में एक फाइल लोड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह इस फाइल से कमांड पढ़ती है और एग्जीक्यूट करती है। ये कोड को स्क्रिप्ट में दरामद भी करती है। ये कारामद होती है जब कई स्क्रिप्ट्स एक मुश्तरका डेटा या एक फंक्शन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। सोर्स कमांड के लिए सिंटैक्स है सोर्स फाइल नेम, सोर्स पाथ टू फाइल, सोर्स फाइल नेम आर्गुमेंट्स। मैं फंक्शन .sh फाइल खोलता हूं। ये शिबैंग लाइन है। sourcedetail.sh function.sh में detail.sh फाइल लोड करेगी। मैं detail.sh फाइल खोलता हूं। मेरे पास मशीन फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर टाइप करें echo function machine is called in function.sh फाइल। सेव पर क्लिक करें। function.sh फाइल पर वापस जाएं। यहां echo डबल कोट्स में beginning of program टाइप करें। सेव पर क्लिक करें। इसके बाद machine echo डबल कोट्स में end of program टाइप करें। यह beginning of program मैसेज प्रिंट करेगा। machine एक फंक्शन कॉल है और यह end of program मैसेज प्रिंट करेगा। नोट करें, machine एक फंक्शन है जिसे हमने detail.sh फाइल में बनाया। और हम यहां function.sh फाइल में फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर टाइप करें chmod space plus x space function.sh। एंटर दबाएं। टाइप करें ./function.sh। एंटर दबाएं। आउटपुट जाहिर होता है। अब बैकग्राउंड फंक्शन पर जाएं। बैकग्राउंड में प्रोसेस रन करने के लिए हम फंक्शन कॉल के इख्तिताम पर एम्परसैंड इस्तेमाल करते हैं। शेल कमांड रन करने के लिए चाइल्ड प्रोसेस को तकसीम करता है। तकसीम के प्रोसेस यानी अमल में जॉब नंबर और पीआईडी यानी प्रोसेस आइडेंटिफायर होगा। मिसाल की मदद से इसे समझते हैं। मैं background.sh फाइल खोलूंगा। ये एक शिबैंग लाइन है। bg_function फंक्शन की शुरुआत की निशानदेही करता है। echo स्टेटमेंट inside bg_function मैसेज दिखाता है। अब हम .mp3 फाइलों को तलाश करने के लिए find कमांड इस्तेमाल करेंगे। यह स्टेटमेंट .mp3 एक्सटेंशन वाली तमाम फाइलों को तलाश करेगा। यह करंट यानी मौजूदा वर्किंग डायरेक्टरी में ऐसा करेगा। इस मामले को नजरअंदाज करने के लिए -iname इस्तेमाल किया जाता है और नतीजा myplaylist.txt में सेव किया जाता है। अब टाइप करें bg_function& यह एक फंक्शन कॉल है। एम्परसैंड bg_function को बैकग्राउंड में रखता है। अब सेव पर क्लिक करें। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर वापस आएं। टाइप करें chmod space plus x space background.sh। एंटर दबाएं। अब ./background.sh टाइप करें। एंटर दबाएं। खाली आउटपुट से पता चलता है कि मौजूदा डायरेक्टरी में .mp3 फाइल मौजूद नहीं है।
अब अपने प्रोग्राम पर वापस आएं। टाइप करें echo hyphen e डबल कोट्स में process running in background r slash n and jobs space hyphen l। सेव पर क्लिक करें। ये echo स्टेटमेंट process running in background r मैसेज प्रिंट करेगा। jobs space hyphen l सभी background jobs का स्टेटस यानी हालात की फहरिस्त बनाता है। अब अपने टर्मिनल पर वापस आएं। टाइप करें /background.sh। एंटर दबाएं। आउटपुट दिखाया गया है। यहां ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में 1 जॉब नंबर है। पीआईडी 3962 है। पीआईडी का स्टेटस हालात के मुताबिक बदलता रहेगा। अगर फंक्शन एग्जीक्यूट होने में वक्त लगता है, तो ये प्रोसेस भी अमल को बैकग्राउंड में चलाएगा। और हम बतौर स्टेटस रनिंग देखेंगे। अगर स्क्रिप्ट से पहले फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, तो हम इस स्टेटस को बतौर डन लेंगे। आउटपुट अलग-अलग मशीनों पे मुख्तलिफ होगा। ये ट्यूटोरियल अब खत्म होता है। मुख्तसर में इस ट्यूटोरियल में हमने कुछ मिसालों की मदद से सीखा सोर्स कमांड, फंक्शन को बैकग्राउंड में रखना। एक मशक के तौर पर दो नंबरों को शामिल करने के लिए एक फंक्शन ऐड लिखें और फंक्शन को एक और फाइल में कॉल करें। दर्ज ज़ेल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। ये स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स मुनक्कद करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी खौंदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मज़ीद मालूमात दी गई लिंक पर दस्तियाब हैं। ये स्क्रिप्ट फॉसी और स्पोकन ट्यूटोरियल टीम की तरफ से बनाया गया है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।